बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, होप यू गाइस आर वेरी वेल। यहाँ पे दोशीज किचन में हम बना रहे हैं फ्रूट चाट, फ्रूट सैलेड कह सकते हैं, वट एवर जो भी बोलें, चलें बनाते हैं रेसिपी को। मैंगो जूस है हमारे पास, फ्रूट्स हैं यहाँ पे ग्लास में, आप देख सकते हैं चिया सीड्स हैं, हेल्दी जो डाइट कॉन्शियस है उनका पता है कितनी ज़बरदस्त सी चीज़ है ये, और इसमें फाइबर, प्रोटीन और बहुत सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसको हम इसमें यूज़ करेंगे और अगर करना चाहें तो आप ज़रूर कीजिएगा, वरना फ्रूट चाट भी बहुत ही हेल्दी होती है और विंटर सीजन में तो ज़बरदस्त से फ्रूट्स भी आते हैं। यहाँ पे हमने वॉश करके कट कर लिया था फ्रूट्स को। स्पाइसेस की बात करें तो इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है, क्रश की हुई ब्लैक पेपर ऐड किया है, छोटी सी टिप पे पाउडर मत ऐड कीजिए, क्रश करके ब्लैक पेपर ऐड कीजिएगा। चाट मसाला मैंने ऐड किया इसमें, और ये हमने इसमें मैंगो जूस ऐड किया है, फ्रेश भी करना चाहें तो कर सकते हैं, हमने तो रेडीमेड जूस किया, और अपनी चॉइस के हिसाब से फ्रूट जूस जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें करें। सबको आती है बनानी, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, मैंने बनाई तो मैंने अपनी रेसिपी आपसे शेयर की, और ये देखें। और अगर थोड़ा सा सब्र हो तो 10-15 मिनट दीजिएगा और फिर देखिएगा फ्रूट्स के बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर्स निकल के आते हैं। यहाँ पे मैं अपना बाउल बना रही थी, उसमें मैंने ऐड किए 1 टेबल स्पून से लेके 2 टेबल स्पून तक मैंने इसमें चिया सीड्स ऐड किए, क्योंकि मैंने ही खाने थे इसलिए मैं अलग से बाउल में निकाल रही हूँ। और बाकी के क्या करेंगे, जो ग्लास में बचेंगे हम डालेंगे मज़ीद पानी और पी जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है। हमारा यहाँ पे कलरफुल सा बाउल रेडी था, हेल्दी सा बाउल रेडी था। आप भी ये रेसिपी बनाइएगा, इन्जॉय कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। और इसके साथ ही बेल आइकन भी मेरे चैनल पे जाके ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसके साथ ही हमने तो बना के बहुत इन्जॉय किया, आप भी बनाइएगा, मज़े कीजिएगा। तो टिल नेक्स्ट रेसिपी, अल्लाह हाफिज़।